गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द मैथ्स क्लास 6, चैप्टर 4, बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स, पार्ट 13। टुडे वी विल डिस्कस रिव्यू एक्सरसाइजेज, MCQ। नंबर 1, द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज। एंगल का वर्टेक्स कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? ऑप्शन है इन इट्स इंटीरियर, इन इट्स एक्सटीरियर, ऑन द एंगल एंड नन ऑफ दीज। इंटीरियर में नहीं होता है वर्टेक्स स्टूडेंट्स, टू रेज का मीटिंग पॉइंट होता है। एक्सटीरियर में भी नहीं होता है, ऑन द सर्कल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ पॉइंट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल लाइज इन इट्स। अ पॉइंट सर्कल के मिड पॉइंट ऑफ रेडियस, एक सर्कल है स्टूडेंट, सर्कल का रेडियस ये है, रेडियस के मिड पॉइंट पर कोई पॉइंट रहेगा, मिडिल में कोई पॉइंट रहेगा रेडियस के मिडिल में, तो क्या होगा? इंटीरियर में होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट आर। स्ट्रेट लाइन कितना पास कर सकता है स्टूडेंट्स? एक पॉइंट से। 1, 2, 3 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, बहुत सारा स्ट्रेट लाइन इसे पास कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। नंबर 4, द नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन गिवन पॉइंट एंड पासिंग थ्रू अनदर फिक्स्ड पॉइंट इज। कह रहा है कि नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से पास करता हुआ कितना रे पास कर सकता है? तो ओनली वन रे कैन पास, नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक से ज्यादा रे पास नहीं कर सकता है। द नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन अ सेमी सर्कल्स फॉर्म्ड ऑन आइदर साइड्स ऑफ डायमीटर इज। अब डायमीटर के दोनों तरफ अगर सेमी सर्कल बनाएंगे तो कॉमन पॉइंट्स कितना होगा स्टूडेंट्स? ए डायमीटर है और इधर ये सेमी सर्कल है स्टूडेंट्स, तो कितना पॉइंट कॉमन होगा? 2 पॉइंट्स कॉमन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 0, बी 1, सी 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2 पॉइंट्स। अ प्लेन कैन बी डिटरमिंड बाय 1 पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लेन कैन बी डिटरमिन बाय, क्या बताए थे? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हम प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 कोलिनियर पॉइंट्स तो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट हो गया, तो उसे प्लेन नहीं होगा, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए सोल्व मेंटली, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ए, अ रे हैज डिफिनिट लेंथ। रे का डिफिनिट लेंथ होता है स्टूडेंट्स? फॉल्स है, रे डू नॉट हैज डिफिनिट लेंथ, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली, इनफाइनाइटली। 3 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ ईच वन ऑफ देम इंटरसेक्ट ऑल द अदर लाइंस। ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। 3 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे ऑल पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट से अगर पास करता है तब वो कंकरेंट लाइंस कहलाता है। एवरी क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स मे नॉट बी पॉलीगन। एवरी क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स मे नॉट बी अ पॉलीगन, ये ट्रू है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर क्लोज्ड फिगर पॉलीगन नहीं होता है, हर क्लोज्ड फिगर पॉलीगन नहीं होता है, क्योंकि जब क्रॉस कर जाता है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये इस तरीके से ये क्लोज्ड फिगर है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। अ माइनर सेगमेंट कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, मेजर सेगमेंट कंटेन्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू एनी वन ऑफ इट्स डायमीटर। कह रहा है कि कोड जो होता है किसी भी डायमीटर के पैरेलल में होता है, ये ट्रू है स्टूडेंट्स, कोई भी कोड होगा तो कोई दूसरा डायमीटर के हो पैरेलल जरूर होगा, कोई भी सर्कल का कोड है
जैसे ये डायमीटर है, तो कोई भी कोण खींचेंगे तो डायमीटर के पैरेलल होगा, या एक कोण है तो कोई ना कोई डायमीटर के पैरेलल हो जरूर होगा, क्योंकि डायमीटर भी बहुत सारे खींच सकते हैं सर्कल में और कोण भी बहुत सारे खींच सकते हैं, तो कोण कोई ना कोई डायमीटर के पैरेलल जरूर होगा, ये ट्रू है। द नियरर अ कोण इज टू द सेंटर ऑफ द सर्कल द ग्रेटर इज इट्स लेंथ। कह रहा है कि कोई भी कोण सेंटर के जितना पास होगा, सेंटर के पास वाला कोण उतना ग्रेटर लेंथ का होगा, ये ट्रू है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेंटर के जितना पास होगा उतना बड़ा होते जाएगा कोण, क्योंकि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोण, डायमीटर पास थ्रू द सेंटर एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कोण, सेंटर से जितना दूर होगा कोण उतना कोण छोटा होगा स्टूडेंट। देखिए ये सेंटर से दूर है, ये सेंटर के पास है, तो ये कोण का लेंथ ज़्यादा है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। टू लाइन्स इन अ प्लेन आर आइदर डैश और डैश। प्लेन में कोई टू लाइन्स है स्टूडेंट्स, तो क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है या पैरेलल हो सकता है, तो आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, इंटरसेक्टिंग फिल करेंगे और पैरेलल फिल करेंगे। टू लाइन्स इन अ प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। अ पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज ट्राइंगल। क्योंकि कम से कम तीन लाइन चाहिए स्टूडेंट्स एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, तो ट्राइंगल इज द लिस्ट पॉलीगन विथ लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स। सबसे कम साइड का जो पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है। थर्ड, द लॉन्गेस्ट कोण ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। स्टूडेंट्स डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोण ऑफ द सर्कल, इट पासिस थ्रू द सेंटर। गिवेन फोर इंटरसेक्टिंग लाइन्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर। अब फोर लाइन्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, फोर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा फोर लाइन्स का 1 और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 6। इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी फोर पॉइंट्स है, फोर लाइंस है, तो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, एक हो सकता है। देखिए फोर लाइन है, 1 2 3 4, फोर लाइंस या तो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर सकता है, तो ए 1 हो सकता है। अगर फोर लाइंस है, जैसे देखिए एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन और ये चौथा लाइन, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें 6 होगा। देखिए ए 1, ए 2, यहाँ पर 3, ए 4, ए 5 और ए 6, 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया स्टूडेंट। ए एक भी लिख दिए, दूसरा ऐसे उल्टा करके भी लिख दिए, तो ये फोर लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, 6, और मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 होगा, फोर लाइंस हो या मेनी लाइंस हो, कितना भी लाइंस का मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड्स। क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड्स होता है स्टूडेंट्स, फोर साइडेड पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो 4 होगा। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, अब सर्कल का जितना भी डायमीटर्स होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए कोई भी डायमीटर सेंटर से पास करता है और एक ही पॉइंट से जो पास करता है जितना भी लाइन्स, वो सब लाइन्स को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन्स बोलते हैं, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्करेंट कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉन्करेंट हो गया, कॉन्करेंट लाइन्स। एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज डैश फ्रॉम इट्स सेंटर। सर्कल पर हर पॉइंट जो होता है स्टूडेंट, जैसे ये सब पॉइंट है सर्कल पर, वो क्या होता है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इक्वी डिस्टेंट मतलब सर्कल पर कोई भी पॉइंट होता है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर से हम लोग वन वर्ड आंसर और वन लाइन आंसर डिस्कस करेंगे, लेट्स इवेल्युएट डिस्कस करेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।